एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट की लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रो करा दिया था, अब इस वीडियो में मैं आपको आगे का थोड़े टूल्स बताने वाला हूँ जो देखेंगे कुछ नए हैं। अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ पर मैं पावर पॉइंट ओपन कर लूंगा। जो यहाँ पर पावर पॉइंट ओपन करने के फुल स्क्रीन कर लेंगे, फिर इसको हम यहाँ पर और इसको हटा देंगे डिलीट। और यहाँ पर एक पीपीटी बनी बनाई मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, मैं अपना फंडामेंटल की, जो मेरा पुराना देखोगे तो इस टाइप के फंडामेंटल मैंने डिजाइन कर रखा है पीपीटी को। तो इस तरीके देख सकते हो मैंने सारी चीजें मेंटेन करी है। इस तरीके से होम के अंदर मैंने स्लाइड लेना वगैरह सिखा दिया था आप लोगों को। और यहाँ पर इंसर्ट पर गए और इंसर्ट पर जाने के बाद स्लाइड ऑप्शन ये भी सेम ही आता है पहले की तरह, लेआउट में जो बताया था टेबल पिक्चर। हाँ, ये एल्बम एक नई चीज आ जाती है पावर पॉइंट के अंदर, तो इस एल्बम को कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस पे एल्बम पे क्लिक करेंगे और फिल पे क्लिक करेंगे डिस्क पे, और यहाँ से जितनी भी हमारी पिक्चर्स वगैरह हैं डाउनलोड में गए और यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं और इंसर्ट पे क्लिक करा, ये हमारी पिक्चर ग्रुप आ गया, यहाँ पर रूम बन गया एक। यहाँ पर सारी पिक्चर्स हैं, इसमें कुछ कस्टमाइज करना चाहते हो वो कर सकते हो, अप डाउन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इन पिक्चरों को क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा ये एक एल्बम बन के आ गई भाई, और यहाँ पर मेरे लैपटॉप का जो नाम होगा वो नाम यहाँ पर शो हो जाएगा, ये देख सकते हो यहाँ पर ये नाम शो हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से ये एल्बम रेडी होती है नॉर्मली। मैं यहाँ पर एल्बम से कट कर दूंगा, डोंट सेव। यहाँ पर आई होप आप लोगों को एल्बम समझ में आया। एल्बम में क्या होता है, एक एल्बम बना लेते हैं कई सारी पिक्चरों का, फिर उसमें एनिमेशन दे देते हैं। तो किस तरीके से एनिमेशन देते हैं वो भी हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जूम एरिया, ये तो हमारा रहता ही है, क्या मैं इस तरीके से देखना चाहे देख सकते हैं। और यहाँ पर वीडियो, जैसे कि वीडियो पे क्लिक करेंगे, ऑफलाइन क्लिक करना चाहे तो ऑफलाइन, यहाँ पर लैपटॉप के अंदर मेरी कोई वीडियो होगी वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो यहाँ पर। इसके थ्रू यहाँ पर मैं अपना चैनल का नाम दूंगा अपग्रेड लर्निंग स्किल्स, और जैसे ही मैंने अपने चैनल का नाम सर्च करा यहाँ पर देख सकते हो मेरी कुछ चैनल की वीडियो यहाँ पर आई हैं, जैसे कि फर्स्ट वीडियो आई है यहाँ पर, और यहाँ पर टैली की भी वीडियो आई है। जैसे कि मैं टैली की वीडियो इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पर टैली की वीडियो आ चुकी है, और मैंने इसको यहाँ पर सेट किया। आप चाहो तो इसको प्ले करना चाहो तो इसे प्ले भी कर सकते हो, ये प्ले का जो बटन दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर प्ले भी करेंगे और देखो यहाँ पर ये प्ले हो जाएगी वीडियो। और इसको फुल स्क्रीन में देखना चाहो तो भी देख सकते हो, उससे यहाँ पर F5 दबाना है आपको, और जैसे ही F5 का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ देख सकते हो वीडियो के साथ यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। प्ले करना चाहो तो वो भी हो सकता है, यहाँ पर स्किप करेंगे। इंसर्ट में म्यूजिक ऐड करना चाहो म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर म्यूजिक देखना चाहो म्यूजिक ऐड करना चाहो म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करते ही कोई ऑडियो वगैरह अटैच करना चाहो वो भी कर सकते हैं यहाँ पर, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा, बट हमें नहीं जरूरत है। और डिजाइन पे आएंगे और डिजाइन पे ये क्या है कि यहाँ पर ये जो थीम्स ले रखी है ये सब पे अप्लाई हो जाएगी, जैसे ये देख सकते हो हर किसी पे अप्लाई होगी ऑटोमेटिकली, एक से एक बढ़िया है, और सबके डिजाइन के सबके फॉर्मेट चेंज हो चुके हैं। पैटर्न थोड़ा सा इधर उधर भी होता है, खिस सकता है हमारा फॉर्मेट, उसको सेट करना है। इसके अंदर यही होता है डिजाइन के अंदर कि हम कोई भी थीम्स यूज कर सकते हैं। ट्रांसिशन में यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये एनिमेशन है, तो ये एनिमेशन राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो पेज एनिमेशन कहते हैं, ये देखो राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से एनिमेशन यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर कई सारे एनिमेशन है, ये देख सकते हो पेजेस वाला, तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के एनिमेशन है, और यहाँ पर लेफ्ट टू राइट इफेक्ट भी है यहाँ पर, और साउंड लगाना चाहो जैसे कि एक क्लिक से दूसरे क्लिक में आएगा तो पानी वाला या किसी छोटे छोटे साउंड होते हैं और साउंड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर स्पीड दे सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं ऑल पे, मतलब सब पे अप्लाई हो जाएगा। और माउस क्लिक ऑन, जब हम फुल स्क्रीन में प्ले करेंगे F5 से, यहाँ पर स्लाइड शो में जाके फ्रॉम पे क्लिक करके तो यहाँ पर फुल स्क्रीन करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देखने को मिलेगा अगला और ये अगला। तो इस तरीके से जितनी भी पीपीटी है हमारी, तो इस तरीके से हमारी सारी पीपीटी दिखाई देंगी।
और यहाँ पर इससे पेज एनिमेशन कहते हैं, माउस क्लिक हटा देंगे तो ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगी, और इस पर लगा के कुछ सेकंड के लिए चला देंगे तो ये माउस क्लिक ऑटोमेटिक चलेंगी, जैसे कि स्लाइड शो में जाके प्ले कर लेंगे। ये देखो अगली भी खुद ही आ गई, तो इस तरीके से सारी स्लाइड शो खुद ही प्ले हो जाएंगी इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आओ, समझ में आओ तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।